की वीडियोस हम इंडियंस गॉट टैलेंट में ही भेजेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ऑडिशन कब है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो हम आपको बताएंगे, हम आपको मेल करेंगे, ठीक है, हम खुद कॉल करेंगे, इसीलिए ये मंच बना हुआ है। और बेसिकली मैं प्रफुल्ल साहू, ऑर्गेनाइजर अयोध्या टैलेंट हंट, ड्रीम प्रेजेंट अयोध्या टैलेंट हंट मार्केटेड बाय एडमिशन काउंसिल। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये कुछ हमारे साथ बच्चे हैं जो कि बिना देखे आँख में पट्टी बांध करके, कुछ स्मेल के थ्रू और कुछ बिना देखे आपके ये हर एक चीज़ आपको पढ़ के बता देते हैं। तो ऐसा टैलेंट हमारे अयोध्या में, जी हाँ, हमारे अयोध्या में है। अभी कुछ देर पहले आपने कराटे का देखा होगा और हमारी वीडियो आप देख सकते हैं कराटे की भी, किस तरह से टैलेंट हमारे अयोध्या में फूट के भरे हुए हैं। इनको बस एक मंच की ज़रूरत है जिसका नाम है अयोध्या टैलेंट हंट। और ये आपका जो है अयोध्या टैलेंट हंट, आप देख सकते हैं ये बच्चे यहाँ हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं और इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा कमाल किया है। क्या मैं उस पट्टी को देख सकता हूँ? जी, तो ये पट्टी बांध करके है ना, आप इस पट्टी को देख सकते हैं, ये कॉटन लगा के, इस पट्टी बांध करके, ये कॉटन लगा करके 1 by 1 इसमें इन बच्चों का ये आपके आँखों में बांधते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने वीडियो देखी होगी, ठीक है। और इस आँखों में बांध करके मैं खुद, अगर मैं बताऊँ, मैं एज ए ऑर्गेनाइजर, मैं एज ए जज खुद बताऊँ तो आँख में पट्टी बांध करके मुझे खुद नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये बच्चे स्मेल करके, ब्रेन आपकी, मतलब ब्रेन की पावर से और एक्सरसाइज करके ये सारे बच्चे छूते ही बता देते हैं इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। सूंघते बता देते हैं कि ये कौन सा कलर है, हाथ में पकड़ते ही बता देते हैं कि ये कौन सी बॉल है, कौन से कलर की बॉल है। तो ऐसा टैलेंट हमारे अयोध्या में होना बहुत ही बड़ी बात है। और मैं आपको, हमारे ट्रेनर मैम, आपका नाम क्या है? शैलेश श्रीवास्तव। तो मैम आपके, हमारे साथ हैं मैम, प्लीज़ यहाँ पे आइए। सर आपके साथ, सर भी हैं हमारे साथ। तो ये दोनों हमारे साथ एज ए ट्रेनर हैं जो कि इन बच्चों को लेकर के आए इस अयोध्या टैलेंट हंट में। और इन लोगों की जो आपके, मतलब जो इन्होंने टैलेंट शो किया है वो वाकई में लाजवाब टैलेंट है जो कि आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं चाहता हूँ ये अयोध्या टैलेंट हंट है और ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट तक बच्चे ये जाएँ। और इनके साथ साथ मैं आपसे इंट्रोडक्शन लेना चाहता हूँ कि आप ये कब से संस्था चला रही है, कब से इन बच्चों को ट्रेन कर रही है? ये हम लोग को कम से कम 8 महीना हो गया चलाते हुए। मेरे सेंटर में जितने बच्चे हैं, 1-2 बच्चों को छोड़ के सब बच्चे कलर पहचानने लगे हैं। और इस बच्चे को मात्र ये दूसरा संडे है, ये बच्चा आपको पढ़ के दिखाया है। यहाँ पे एक्सरसाइज सुबह शाम करना पड़ता है, हम लोग संडे को एक्सरसाइज पूरा कराते हैं 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। उसके बाद बच्चे वही एक्सरसाइज सुबह शाम अपने घर में करते हैं, हम लोग वीडियो एक्सरसाइज दे देते हैं। ये प्रोग्राम किरण खेड़ जी ने इंडिया गॉट टैलेंट में दिखाया है बहुत पहले। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके दिमाग में ये बात कैसे है कि फैजाबाद में अगर हम अपने अयोध्या में हम अगर इस तरह का चर्चा करते हैं तो हमारे पास अभी 4 बच्चे हैं, आपके पास टोटल कितने बच्चे हैं? इसमें तो करीब 50 बच्चे हैं। आपके माइंड में ये इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान कहाँ से है? तो मैंने एक प्लान किया, भाई कुछ डिराइव किया था जिससे बच्चों का एजुकेशन लेने में फायदा हो, उससे हमको ये प्रेरणा मिली, कुछ ऐसा निकलाया था जिससे जैसे विदेशों में लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, वो टेक्नोलॉजी अगर यहाँ लॉन्च हो जाए तो उससे। ये सिखाता कौन है सर? मैं ही सिखाता हूँ। आप सिखाते हैं? सर आपने कहाँ से सीखा है ये सारी चीज़ें? मैंने इसको जयपुर से सीखा है। जयपुर और बॉम्बे 2 जगह ट्रेनिंग होती है, वहाँ ट्रेनिंग लिया, उसके बाद यहाँ पे कोर्स यहाँ चला। सर ये सारी चीज़ें आप खुद करके दिखा सकते हैं? नहीं, एक लेवल होती है उसको। ये क्या होता है, जैसे हम उसका अगर प्रैक्टिस भी हों, हमारा साल भर भी समय लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। अच्छा, लेकिन बच्चों में क्या है, 5 साल से 20 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं जल्दी कैसे होते हैं, इसीलिए बच्चों को ज़्यादा ये होता है और बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे ये माइंड और तेज होगा, बहुत तेज होता है। जैसे ये बच्ची कोई भी क्वेश्चन आते थे 1 मिनट में याद करके सुना देंगे, वैसे उसको 2 दिन लगता था, 1 दिन लगता था, अब 1 मिनट में सुना देती है। इससे माइंड आपको पढ़ाई के लिए करना ही नहीं पड़ता, तो खुद अपने आप बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। 90% कमाते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप बच्चों की फीस क्या लेते हैं? हाँ, 3 महीने के, अभी तो 55 है, लेकिन स्कूलों से जो बच्चे आते हैं उनका 5000 लेते हैं 3 महीने का। और वैसे 1 साल का कोर्स, क्लासेस 1 साल का, 1 साल का कोर्स। क्लासेस कितनी देर तक चलती है? 9 बजे से 1 बजे तक, संडे 9 से 1, 1 के साथ संडे। ओके, तो इस संडे में आपको सारी चीज़ें आप सिखा देते हैं, बता देते हैं। इन बच्चों को आप देख सकते हैं एज एन अयोध्या टैलेंट हंट ऑर्गेनाइजर और फाउंडर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं वाकई में लाजवाब है, हमारे अयोध्या की शान है और ये हमारे बच्चे, हमारी अयोध्या की युवा पीढ़ी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देता है। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि अयोध्या टैलेंट हंट ये बार बार हो, हर बार हो और इस तरह के बच्चे हमारे पास हर तरह से आते रहे। ये जो पट्टी है, अगर मैं अभी इसको अपने आँखों में बांध दूंगा तो मैं खुद नहीं देख पाऊंगा। पता नहीं ये बच्चे कहाँ से देखते हैं, इन बच्चों के पास इतना टैलेंट आता कहाँ से है। तो ये वाकई में एक लाजवाब है। मैं आपको खुद बताता हूँ, मैं खुद एक 19 साल का लड़का हूँ। लोग मेरे से कहते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर ये टैलेंट कैसे आया, इतना बड़ा शो कैसे करा रहे हो। कुछ रिजेक्शंस हमें मिले थे, हमें तो उस रिजेक्शन के साथ साथ हमने डिसाइड किया कि हम हर तरह के टैलेंट को अयोध्या से लेकर के हम ग्रैंड फिनाले 22 जून को लेकर के जाएंगे। और ये जो आपका अयोध्या से जो हमारा टैलेंट निकल रहा है ये पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में हम दिखाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, पूरी मीडिया को बताना चाहते हैं। और इन बच्चों को वाकई में मीडिया में होना चाहिए था। अभी मीडिया वाले हमारे साथ आए, हमारे साथ बन के रहे और उन्होंने इन लोग बच्चों का इंटरव्यू लिया, उन्होंने खुद देखा कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने लाजवाब हैं। और हमारे साथ बने लेने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैमरामैन आपका नाम रजनीश, हाँ रजनीश, कैमरामैन रजनीश जी के साथ साकिब छायागर स्टूडियो, थैंक यू सो मच।